Sharjah into the center. As you can see from my behind, I will show you on the front side. It's beautifully decorated, and when we go inside, we'll show you what is inside. But it was a long walk. I think 5 kilometers I walked from my home. So let's take you inside and see what is there. लेकिन ये रियल गैस मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि रियल गैस के बहुत महंगे होते हैं और इससे फिर हमें आप सेल के बाद भी कटा दे दोगे। हम लोग आए थे यहाँ पे, फूड स्टॉल लगे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा फूड स्टॉल का आपको दिखा दें। और यार यहाँ पे मिली थी चाट टिक्की, वैसे काफ़ी कुछ हैं, इजिप्शियन भी है, वैरायटी है, सीख कबाब भी, लेकिन यार ये हम लोगों को मिलता रहता है इजिप्शियन फूड और चाइनीज़ फूड, हम लोग खाते रहते। तो आज आलू टिक्की ट्राई की हम लोगों ने, बता सेट ऑफ फूड काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉल हैं यहाँ पे। बट यू नो व्हेन यू फाइंड देसी फूड इन फॉरेन कंट्री, यू टेंड टू गो फॉर इट बिकॉज वी डोंट गेट टू मच ऑफ बनारस एंड चाट। एंड वी बॉट वन आलू की टिक्की, ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द यूपी वाला टिक्की एंड बनारसी टिक्की, बट लेट्स सी ट्राई लॉट ऑफ सेव ऑल्सो। थोड़ा भेलपुरी ज़्यादा लग रही, बहुत भेलपुरी स्टाइल में ज़्यादा लग रही है, लग रही एकदम कड़क भेलपुरी। टेस्ट मुंबई जाना चाहिए। इट्स नॉट एक्जैक्टली आलू की टिक्की, वो हम लोग यूपी वाली चाट नहीं है बिल्कुल भी, मैं कहना चाहूँगा इट्स समथिंग ऑफ मिक्स ऑफ भेलपुरी सेवपुरी स्टाइल का है, क्योंकि मूँगफली या काफ़ी कुछ डाली, मेरे ख्याल से मल्लू चाट होगी। ब्लैक आइसक्रीम, आइसक्रीम ब्लू नीली पीली तो होती है, लेकिन भी ब्लैक खाने जाते हैं। ब्लैक आइसक्रीम रोल्स वापस इसको खा के देखते हैं कि ब्लैक आइसक्रीम कैसी है। इट्स फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग ब्लैक आइसक्रीम शॉपिंग, कहा था मुंबई, खाली कुर्ता लेने और मेरी वाइफ को कुछ एक कुर्ती चाहिए थी, लेकिन वी एंड अप लाइक ऑलवेज स्पेंडिंग मोर देन वी थॉट दैट। आई परचेज वन कुर्ता एंड सलवार ट्रू टू माई वर्ड, बट एक मेरे दोस्त का स्टॉल था तो उसके यहाँ से मैंने कहा दोस्त के यहाँ से कुछ लेता हूँ, तो दो टी शर्ट्स मैंने 30 dirhams की, टी शर्ट्स कुर्ता भी सब पैक्ड है, तो आपको रूम में जाके खोल के दिखाऊंगा। दो मैंने कैप्स ली थी 20 dirhams की थी, 40 dirhams की कैप। मैंने मेरी वाइफ ने एक चिकन का सूट दिया, एक्चुअली शी वांटेड समथिंग पाकिस्तानी फॉर दी स्टाइल, बट अगेन शी वेंट फॉर द लखनऊ चिकन विच वी आर सो फॉन्ड ऑफ, सो दैट वाज गुड। बस इतनी शॉपिंग की हम लोगों ने मेरे ख्याल से 500-400 स्पेंड किए होंगे, 100-200 सोच के आए थे, ज़्यादा ही हो जाता हमेशा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो नाउ फ्रॉम द एक्सपो वी केम बैक होम, और काफ़ी सामान लिया हम लोगों ने वहाँ से। आई थिंक जितना सोच के गए थे मैंने आपको बताया, जैसे हम लोग ऐसे में थे, काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली, तो मेरी वाइफ ने भी कुछ सामान लिया, लेकिन आई विल शो यू व्हाट आई गॉट। आई थॉट आई गॉट सम गुड बार्गेन इन कैप्स, सो आई बॉट 5 कैप्स, द फोटो आई विल शो यू इन द वीडियो, यू कैन सी। वन कैप वॉज नाइकी, वन वॉज जॉर्डन, एंड अदर वॉज बींग ह्यूमन, एंड टू अदर नाइकी कैप्स वर देयर, बट दे वर डिस्काउंट अराउंड 20 dirhams।
And then I brought two t-shirts, one Aeropostale, one Tommy Hilfiger, and finally I got the Pathani kurta for my Eid festival. And so I will show all the photos I have taken, I will show in the blog along with the price in the description. But I would like to tell you, for the people who want to have something different, they can go to the expo. It's not really cheap, because in the mall, if you go mall, it's discounts are more, it's more cheaper, plus you can try and you can exchange and refund. Here there is no trial room, so no exchange refund, so you really cannot depend on the size. If you're not sure about your size, please do not take from here, because there will be no exchange and no refund. And it's not cheap actually. It's not cheap because I tell you, people from overseas and a lot of people come and set up stalls here, so they have their own logistic costs and everything, so they add up to the cost, it becomes more costly than the malls. But the one thing is that if you want to try out like different things, like I noticed a lot of Punjabi stuff was there from India, like kurtis, Rajasthani jutis, Punjabi sandals. If you're going for ethnic and other type of stuff, same like in the Global Village, people who have been to Global Village. So it's a good place to go. The ticket is, entry ticket is 5 dirham per person, and there's a raffle draw, so if you purchase 100 dirham, but you have to keep the bill. We did not keep the bill, so we could not purchase the raffle ticket. But I think it's good for family outing. There's a food store, a lot of Indian, Egyptian, Irani and everything stuff. You can get the kebabs and everything. Plus this expo is for people like who are looking for something different, like you're looking for kurtas. Men's kurtas are very good, and the range is also good. I think from 60 dirhams the range goes to 150 dirham. It's much less, cheaper than the retail shops. And ladies also have got a lot of stuff, jewelry, everything, every price. Say one should visit one time. This expo center, I think on the hygiene cleanness rating, I would give it 10 out of 10. The stalls are well organized, the crowd was well controlled. It's a good place to go and get entertained. The timings are every day from 23rd May to 8 June, from 8 p.m. to 10 p.m. So if you like this small video of mine, please do like and subscribe, and I will soon be posting another shopping video and an Eid video also. And again, I would like to tell you, please subscribe to my channel and please like and share my videos and please post your comments. And this is Sameer signing off from La Vida. See you again.